हाँ दोस्तों, आरएफ डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम गले की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो देखिए, साइज के हिसाब से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, तो 1 इंच हम ज्यादा लेंगे। इस तरह देखिए 14 इंच का निशान बनाएंगे। आर्म होल 6 इंच, गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, इसकी गहराई हम 10.5 इंच लेंगे। देखिए 1/2 इंच बाहर की तरफ लिया है और नीचे से चौड़ाई इसकी 3 इंच थी। तो इस तरह देखिए हम गले का शेप देंगे, इसे अब हम कट कर देंगे। तो इस तरह देखिए इसे कट कर दिया है। अब हम कपड़े पर रख के इसे कट करेंगे। तो इस तरह देखिए गले की कटिंग हो गई है। तो अब हम देखिए पहले गले को बनाएंगे। तो देखिए अच्छे से बनाते हुए गले पर सिलाई लगाएंगे, इसे हमें पलट कर बनाना है। तो इस तरह देखिए गले पर सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे की साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए हम गले पर कट लगा देंगे। उसके बाद देखिए हम इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम अच्छे से बनाते हुए गले पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए हमने गले पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम देखिए गोल्डन लेस लेंगे और देखिए हमें यहीं तक लगाना है दोनों साइड में। तो इस तरह देखिए एक साइड में हमने लगा लिया है, दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से लगाना है। तो देखिए दोनों साइड में हमारा लिस्ट लग गया है। अब हम नीचे के डिजाइन को बनाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने गोल्डन कपड़े से पट्टियां कट कर ली है। तो यहां से देखिए हम आर्म होल की तरफ से इस तरह सीधा ही लेंगे और इस तरह हमें दूसरी साइड में भी बनाना है। तो देखिए हम पट्टी पर इस तरह मोटे हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए हमने एक साइड में सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरह हम लगाते हुए दूसरी साइड तक इस तरह से ले जाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने पट्टी पर एक साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड में सिलाई लगाना है। तो अब हम देखिए पट्टी के ऊपर की साइड में इस तरह इसको लगाएंगे।
इस तरह देखिए हमने लेस को लगा लिया है। तो देखिए नीचे की साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब हमें जो हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे उसके लिए पट्टियाँ लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने पट्टी कट कर ली है। ये हमारा नेट के कपड़े से कट की है, गोल्डन नेट का कपड़ा लिया है। तो देखिए हम 1.5 1.5 इंच की दोनों को बराबर ही कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए सिलाई लगाने के बाद इस तरह पलट के एक सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे। देखिए पट्टियों को हमने ज्वाइंट कर लिया है। 3.5 3.5 इंच की कट कर लेना है। तो अब हम देखिए इस डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मोना है। 2 पॉइंट देखिए हमारी दूसरी पट्टी जो हमने रेड कलर की ली है, तो इस तरह से वो बाहर की तरफ होगी। और देखिए इस तरह यहाँ पर देखिए हम छोटी सी प्लेट देंगे जाएगी। उसके बाद देखिए हमें इस तरह इसको फोल्ड करना है। तो 2 पॉइंट का हम यहाँ पर गैप देते हुए ही लगाएंगे। और देखिए आर्म होल की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए ही लगाना है, क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में जाएगा। तो इसी तरह हम सभी डिजाइनों को बनाएंगे। कि हमने डिजाइन्स को बना लिया है। अब देखिए जो सिलाई के बाहर कपड़ा आता है उसे हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से ही कट करना है, ब्लाउज का कपड़ा नहीं कटना चाहिए। तो इस तरह देखिए हमने ज्यादा कपड़े को कट कर दिया है। अब हमें लेस लगाना है। तो इस तरह देखिए हमने लेस को लगा दिया है। अब हमें मोतियां लेना है और लगाना है। तो देखिए इसी तरह से हम सभी डिजाइनों के सामने मोतियों को लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने पूरे डिजाइन पे मोतियां लगा ली है। तो अब ये हमारा डिजाइन बन गया है। तो हमारा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।